अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें आपको सिखाने लगा हूँ एक स्केच बनाना। ये एक स्केच है जिसे हम आज बनाएंगे, वेरी सिंपल। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपने, ये जो सर्कल्स हैं 1, 2, 3, 4 ये सर्कल हमने ड्रा करना है, ठीक है। टॉप प्लेन पे जाएंगे, स्केच, ओके। सबसे पहले एक सेंटर लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। सर्कल लेंगे, ओके। डायमेंशन 24, 42, इसकी है जी 36, 36, दिस इज इट 64, ओके। ये रेडियस दिया हुआ है तो इसका डायमीटर क्या हो गया 64, और इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 100, ओके। सो ये हो गया, सिंपली कर देंगे एक्साइट, माई डायमेंशंस कंप्लीट हैं। अब हमने पहले से सिलेक्ट करना है कंट्रोल, इसे करेंगे एक्सट्रूड, इसे करना है हमें 36, ओके। अब हमने ये हाइड हो गया सो इसे कर लेंगे शो। अब हमें इसको सेलेक्ट करना है कंट्रोल दबा के, इसे करना है, इसे कर लेंगे एक्सट्रूड 24, ओके, ठीक है। अब हम सिंपली इसको कर लेंगे हाइड, तो अब हमारा जो दूसरा पोर्शन है वो है ये बेस जो हमने 12 इंच की बनानी है, सॉरी 12 mm की, ठीक है। इसके वे जो विर्थ है वो है 12 mm। इसके लिए हमने क्या करना है, सिंपली फ्रंट प्लेन पे जाएंगे, सॉरी टॉप प्लेन पे जाएंगे, स्केच करेंगे और करेंगे नॉर्मल टू, ठीक है। लाइन लेंगे, कनेक्ट करेंगे, अगेन लाइन लेंगे और यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आपने इसको कंट्रोल दबा के इसको कर देना है टैजेंट, सेम इधर ऐसे करना है टैजेंट, ठीक है। सो इस तरह से ये होगा। सो यहाँ पे जाएंगे कन्वर्ट एंटिटीज पे, सिंपल इसको और इसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, ओके। अब हम जाएंगे ट्रिम कंडीशन पे, इसको भी ट्रिम कर देंगे, इसको भी ट्रिम कर देंगे। अब जो हमारे पास पोर्शन बचा हुआ है ये वाला पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है, जो हमने एक्सट्रूड करना है, सिंपल एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड कितना करना है हमने 12 जो उसमें विड्थ दी हुई है, ठीक है, ओके, ये हो गया। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है वो इस सेंटर में जो स्पोर्ट बनी हुई है ये बनानी है, इसके भी जो उसने थिकनेस दी हुई है वो है 12 mm, ठीक है। सो हम बेसिकली ये दो तरह से ड्रा की जा सकती है, एक आप ऐसे कर सकते हो,
सॉरी टॉप लाइन, यहाँ पे आप सेंट्रल लाइन क्रिएट करके फिर उसको एक्सट्रूड वो बना के लाइन ड्रा करके उसको बना के आप उससे एक्सट्रूड करके आप क्या कह सकते हैं वो चीज़ बना सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं रिब कमांड को यूज़ करते हुए इसे बनाना चाहूँगा ताकि आपको पता लगे कि रिब कमांड भी कैसे यूज़ होती है। सो ठीक है, उसके लिए क्या करना है, आपने सिंपल फ्रंट प्लेन पे जाना है, सॉरी आप पहले ना इसे शो कर लें, ठीक है, जो आपने ड्रा किया हुआ है सबसे पहले स्केच। अब आपने फ्रंट प्लेन पे जाना है, प्लेन क्रिएट करना है, प्लेन कहाँ क्रिएट करना है, बिल्कुल सेंटर लाइन पे, ठीक है, ओके, ये आप इसे करेंगे स्केच और कर देंगे डार्क कंटूर, ठीक है, लाइन लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन ड्रा कर लेंगे। अब एक चीज़ आपको समझा देता हूँ, अगर हम रिब कमांड यूज़ करते हैं सिंपली यहाँ पे हमें देना 12, अगर हम इसे ओके करेंगे तो ये नहीं यूज़ होगी। इसकी वजह क्या है कि ये जी अक्सर लोग गलती कर जाते हैं कि यहाँ पे ये कनेक्शन नहीं होते इनके, मतलब मिली हुई नहीं होती, सो कनेक्ट नहीं होते, सो इस वजह से ये रिब कमांड यूज़ नहीं होती। इसके लिए क्या करते हैं हम, इसका ये सलूशन है कि हम स्केच में जाएं, एक लाइन लें और यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लें, ठीक है, सेम यहाँ पे वैसे ही, ओके। अब आप यूज़ करके देखें, रिब कमांड यूज़ करेंगे, यहाँ पे थिकनेस देंगे 12 mm, ओके, सो सही, बिल्कुल सेंटर पे हमारे क्या हो गया है, स्पॉट बन गई है। तो सिंपली हम अब क्या करेंगे, पेन को हाइड करेंगे, स्केच को हाइड करेंगे, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट वाला पार्ट है वो ये है कि यहाँ पे हमने कट क्रिएट करना है, ठीक है, इस पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे, करेंगे स्केच और कर देंगे नॉर्मल टू, ठीक है, सेंटर लाइन देंगे, एक सेंटर पे लाइन ड्रा कर लेते हैं, सॉरी सेंटर लाइन, ठीक है, लाइन लेंगे। अब इस लाइन को कर देना हमने पैरेलल, ठीक है, मिरर कमांड को यूज करेंगे, किसके लॉन्ग, ठीक है, डायमेंशंस पे जाएंगे, ये रख देंगे हमने 6, ओके, सो मतलब ये 12 हो गया। सो कन्वर्ट एंटिटीज पे जाएंगे, सिंपली सर्कल को करेंगे कन्वर्ट और कर देंगे ओके, ठीक है, ट्रिम कमांड, इसको ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, स्मार्ट डायमेंशन पे जाएंगे और इसकी जो हमें उसने लंबाई दी हुई है ये है 4, ओके, तो ये देखें उसने दी हुई 4 है, ठीक है, सो ओके करेंगे, लाइंस को सिलेक्ट करेंगे, इसको कर देना है कनेक्ट, सिंपली जाएंगे फीचर्स में, एक्सट्रूड कट पे इस पोर्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और कर देना है थ्रू वॉल और ओके। सो इस तरह से ये हमारा कट लग गया है। सो हमारी ड्राइंग कंप्लीट है, इसको देखें और इसको देखें,
बिल्कुल एग्जैक्ट बनी है वैसे ही। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।